हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है JSSC यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। झारखंड सचिवालय में स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये झारखंड स्टेट की वैकेंसी है, लेकिन ये ओपन स्टेट वैकेंसी है। इसके लिए अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, इसके लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ग्रुप सी का ये पोस्ट रहेगा, ठीक है। तो देखिए, पहले बता दिया है कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, इस वैकेंसी का एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 454 मीन्स की 500 के अप्रॉक्स आपका सीट रहेगा। बाद में आपका सीट जो है इंक्रीज भी कर दिया जाता है। फिलहाल हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जनरल के लिए है 182। तो अदर स्टेट के जो भी बच्चे अप्लाई करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि आप बिहार से बिलोंग करते हो, वहाँ पे आप OBC हो, SC ST हो, तो इट डजंट मैटर कि आप आते हो रिजर्व कैटेगरी में। झारखंड के लिए ना आप जनरल कैंडिडेट ही रहोगे। तो जनरल का जो सीट है 182, इसमें ही अदर स्टेट के बच्चों के लिए भी सीट रहेगा। ST वालों के लिए 118, यानी जो झारखंड के ST कैंडिडेट है उसके लिए 118 रहेगा। SC के लिए 44 यानी 44। बैकवर्ड कैटेगरी जो आपका 1 है उसके लिए 45 है। BC 2 के लिए 7 एंड EWS के लिए 51 टोटल सीट रहेगा। ओवरऑल सीट है आपका 454, जिसके लिए अप्लाई करने का जो डेट है ना, ऑलरेडी ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है 6 सितंबर से, यानी कि 6 सितंबर से ऑनलाइन हो रहा है। और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि रहेगी ना, 5 अक्टूबर, यानी कि 5 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है। बट यू डोंट हैव टू वेट फॉर 5 अक्टूबर, जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म अप्लाई कर दो। बाद में क्या होता है ना, बहुत सारे कैंडिडेट स्टार्टिंग में फॉर्म नहीं भरते, जब इंड डेट आने वाला होता है तब सभी ताबड़तोड़ प्रयास करने लगते हैं कि मेरा भी फॉर्म अप्लाई हो जाए। इस वजह से क्या होता है ना कि सर्वर इशू फेस करना पड़ता है, फिर बहुत परेशानी होती है फॉर्म भरने में। तो जितना जल्दी हो सके भर दो, ये आपके लिए ही बढ़िया रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो फी क्या चार्ज किया जाएगा ये मैं बता देती हूँ। जनरल, OBC और EWS, उनसे लिया जाएगा 100 रुपीज, यानी 100 रुपया लिया जाएगा जनरल, OBC, EWS वालों से। और जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट है उनसे 50 रुपीज, यानी 50 रुपया लिया जाएगा। अब देखते हैं व्हाट इज द एज लिमिट, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि व्हाट इज द कट ऑफ डेट, किस तिथि के अनुसार आपके एज की उम्र की गणना की जाएगी। एज ऑन 1st of August 2024, 1 अगस्त 2024 के अनुसार आपका एज कैलकुलेट होगा। 21 to 35, यानी 21 वर्ष से 35 वर्ष के सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। रिलैक्सेशन जो मिलता है, उम्र सीमा में छूट मिलती है, तो जो बैकवर्ड कास्ट 1 और 2 है उसके मेल कैंडिडेट को 2 ईयर्स यानी 2 वर्ष का मिलेगा। तो BC 1 और BC 2 के लिए जो अपर एज लिमिट रहेगा ना, 37 यानी 37 वर्ष रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जनरल, EWS, BC 1 और 2 की जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए 3 ईयर्स यानी 3 वर्ष, तो उनके लिए अपर एज लिमिट है 38 ईयर्स यानी 38 वर्ष। अब जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट है, मेल एंड फीमेल बोथ को सेम रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर्स का, यानी कि उनके लिए जो उम्र सीमा है अपर एज की वो 40 ईयर्स 40 वर्ष रहेगा। तो ये था आपका एज का क्राइटेरिया, जो कि रिलैक्सेशन सहित मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम जानेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षणिक योग्यता आपसे क्या डिमांड की गई है। देखिए फ्रेंड्स, सिंपली जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है, मतलब कि आपने ग्रेजुएशन में आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स कोई सा भी स्ट्रीम लिया है, तो आप इलिजिबल रहने वाले हो। डजंट मैटर व्हाट इज द परसेंटेज, आपका कुछ भी परसेंटेज आया है, ग्रेजुएट हो आप, अप्लाई जरूर करना।
अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस, किन किन स्टेज से पास होने के बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर 3 स्टेज सिलेक्शन है, सिंपली मानिए 2 स्टेज सिलेक्शन है, 3rd स्टेज बस ऐसे नॉर्मली आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाता है। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द स्किल टेस्ट। एज यू ऑल नो कि स्टेनोग्राफर की है तो उसके लिए स्टेनो का टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा। अब जैसा कि बहुत सारे एग्जाम में आप देखते हो गए स्टेनोग्राफर के लिए पहले एग्जाम कंडक्ट होता है, पर यहाँ पर उसका उल्टा है, पहले आपका स्किल देखा जाएगा कि एक्चुअली में ये होना चाहिए, क्योंकि आपको टाइपिंग वगैरह करना है तो आती है कि नहीं आती ये चीज पहले जाना जाएगा, फिर एग्जाम लिया जाएगा। उससे क्या है ना कि समय की बचत होगी और वैकेंसी आपका जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। सेकेंड स्टेज पे आपका रिटन एग्जाम ऑफलाइन पेपर होता है। थर्ड पे सिंपल सा आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाती है कि आपने जो अपने बारे में डेटा दिया है सरकार को वो सही है या गलत है, आपके पास उसका पेपर वगैरह है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को इन डिटेल समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले स्टेज पर आपका स्किल टेस्ट होता है, तो स्किल टेस्ट आपका 2 पार्ट में होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका पहला टेस्ट होता है स्टेनो का, और हाँ हिंदी में ही आपका आंसू लेखन, स्टेनोग्राफी को आंसू लेखन बोलते हैं, वो आपका हिंदी में ही होगा। तो हिंदी में होगा 500 वर्ड्स के लिए। देखिए पहला पार्ट में आपको स्टेनो प्लस टाइपिंग का टेस्ट होता है, दूसरे पार्ट में कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब क्या आप कंप्यूटर के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो, चलाना आता है तो बेसिकली क्या क्या पूछ सकता है वो मैं आपको बताऊंगी। और ये सारी चीज़ें ना इसके नोटिफिकेशन में दिया गया, और हाँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, ये सब अच्छे से रीड करना चाहते हैं खुद से, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। तो देखिए हम लोग अभी बात कर रहे थे स्किल टेस्ट के बारे में। पार्ट 1 में आपका क्या होगा, स्टेनो प्लस टाइपिंग, दोनों चीजें हिंदी लैंग्वेज में होंगी। स्टेनो का आपका होता है 500 वर्ड्स का टेस्ट, एट द रेट 50 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड होना चाहिए, एंड 10 मिनट का टेस्ट होता है। देखिए स्टेनो का टेस्ट कैसे होता है, ये एक डिक्टेशन टेस्ट होता है, जैसे कि कोई आदमी माइक पर या नॉर्मली बोलेगा और आपको ना स्टेनो की भाषा में उसको टाइप करना होगा, तो उस चीज़ के लिए आपको 500 वर्ड्स का टेस्ट होगा, 50 वर्ड पर मिनट का स्पीड कम से कम होना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट का टेस्ट होता है। और डिक्टेशन के लिए आपको जो है ना 1 मिनट पहले समय दिया जाता है, क्या आपको सही से सुनाई दे रहा है, तो उसको प्रैक्टिस कराया जाता है 1 मिनट का। फिर जो आपने डिक्टेशन के थ्रू आपने स्टेनो की टाइपिंग की है, तो वो तो बस आप जानते हो कि स्टेनो की लैंग्वेज में वो क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर क्या होता है ना कि उस स्टेनो लैंग्वेज को आपको टाइप करके दिखाना होता है, तो उसके लिए हिंदी की टाइपिंग होगी, तो वो आपने क्या लिखा है वो सब देखने के लिए आपको 5 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। उसके बाद जो टाइपिंग होगी ना उसके लिए आपको टाइमिंग दिया जाएगा, बस आपको 40 मिनट का समय रहेगा, और ये जो आपने 500 वर्ड स्टेनो का टाइप किया है उसको आपको हिंदी में हिंदी टाइपिंग के थ्रू 40 मिनट में कंप्लीट करना है। आई होप कि ये वाला पोर्शन अब आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपका क्या है पार्ट 2, कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट। तो ये तो हमने देखा कि स्टेनोग्राफी का आपका टेस्ट हो गया, हाँ आपको टाइपिंग करना आता है, पर क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है और कंप्यूटर में क्या क्या वर्क करना पड़ सकता है उसका यहाँ पर टेस्ट होगा। देखिए टोटल आपका 5 से 6 तरह का टेस्ट होता है। MS वर्ड आपको आना चाहिए, MS एक्सेल में आपका कैलकुलेशन यानी जोड़ घटाओ गुना भाग आपको आना चाहिए, MS Excel में आपको पाई चार्ट और बार चार्ट बनाने आना चाहिए, फिर आपका MS PowerPoint जो होता है ना उसमें प्रेजेंटेशन और स्लाइड दोनों चीजें बनानी आनी चाहिए, फिर आपको ये चेक किया जाएगा कि आप फाइल या फोल्डर बना पाते हो कि नहीं, और उसी फाइल या फोल्डर को आपको ईमेल जनरेट करना है, फिर मेल सेंड करके बताना है, तो ये आपका बेसिकली टेस्ट होगा। और ये टोटल आपका क्या होता है ना 90 मिनट्स का होता है, 150 मार्क्स के लिए रहेगा, और मिनिमम आपको स्किल टेस्ट के अंदर 30% स्कोर करना है, तभी जाके ना आप रिटन एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो जब आप इसमें क्वालिफाई हो जाओगे तब आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम आपका 2 पेपर होता है, तो दोनों पेपर के बारे में बताएंगे। पहले बात करते हैं पेपर 1 के बारे में।
पेपर वन आपका 3 घंटे का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चंस रहेंगे 300 मार्क्स के लिए। मतलब इससे साफ होता है कि पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, निगेटिव मार्किंग 1 रहेगा। और सब्जेक्ट वाइज यानी विषय वाइज अगर बात करें तो हिंदी से रहेंगे 25 यानी 25 प्रश्न, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 यानी 25, और लास्टली रीजनिंग से 25 यानी 25। चारों ही सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन, इससे आपका 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के लिए। तो ये पेपर वन है जिसमें आपको मिनिमम 30% स्कोर करना है, तभी आपका पेपर टू का स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये पेपर वन और पेपर टू सेम डे होता है, एक ही दिन आपका 5 घंटे का पेपर होता है। पेपर वन के बाद आपको छोटा सा ब्रेक मिलेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव होता है, तो आपसे OMR सीट वगैरह कलेक्ट किया जाएगा, फिर सेकेंड राउंड के लिए आपको दिया जाएगा, तो थोड़ा सा ब्रेक बीच में मिलता है। उसके बाद फिर अगला 2 घंटा आपका पेपर टू होता है। ये भाषा आपका भाषा की परीक्षा होती है, रीजनल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा का, ठीक है। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव ही रहता है 300 मार्क्स के लिए, यहाँ पर भी पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मिलेगा। अब कौन सा ऐसा भाषा रहेगा जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडा, हो, खोरठा, खड़िया, उड़ाव, कुरमाली, नागपुरी, पंच परगनिया एंड उड़िया। अब आप सोच रहे होंगे क्या इतना सारा लैंग्वेज आना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हिंदी, इंग्लिश कुछ भी आपको आता है, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट से आपको आंसर करना है 100 क्वेश्चन विच इज फॉर 300 मार्क्स। और ये भी क्वालिफाइंग होता है, तो मिनिमम 30% इसमें भी स्कोर करना है। अब जैसा कि मैंने बताया है कि ये झारखंड के सचिवालय के लिए है, तो झारखंड में ही आपका जॉब लोकेशन रहेगा। और हाँ, एग्जाम सेंटर्स भी झारखंड के अंदर रहेंगे क्योंकि ये ऑफलाइन पेपर होता है, तो झारखंड के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों के अंदर ये भर्ती की परीक्षा होगी। आप किसी भी अदर स्टेट से अप्लाई करोगे, झारखंड में जाके ही पेपर देना होगा। सो आई होप कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारी क्वेरीज खत्म हो गई होगी। बस एक चीज बचा है जो कि मैं आपको बता देती हूँ, वो है कि सैलरी क्या मिलेगी ड्यूरिंग योर सर्विस। देखिए, सैलरी की स्टार्टिंग है 25,500, 25,500। आफ्टर पर्क्स एंड अलाउंसेस और पर ईयर जब आपकी सैलरी इंक्रीज होती है तब आपकी सैलरी 81,100 हो जाती है। अब देखिए, सिंपल एंड साफ सुथरा भाषा में कहे, यहाँ पर दिया है कि 25,500 से शुरुआत होगा, बट इन रियल आपको 30,000 से 35,000 शुरुआत में मिलेगा, बाद में बढ़ते बढ़ते 90,000 to 1,00,000 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी हो जाएगी। सो ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, तो प्लीज इसे मिस ना करें। अगर इंटरेस्टेड हो, इलिजिबल हो, तो फॉर्म जरूर अप्लाई करना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।